देखो फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट में क्या होता है कि जो पीछे से वोल्टेज आ रही है, चाहे वो डीसी है, डीसी प्रॉपर डीसी नहीं है, प्रॉपर डीसी एकदम फ्लैट सर्किट को प्रॉपर डीसी बोलते हैं। तो हुआ क्या कि इसके अंदर जो जो पीछे से जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है वो फ्लक्चुएटिंग है, उसकी फ्रिक्वेंसी हाई भी हो सकती है और उसकी फ्रिक्वेंसी एकदम लो भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, दो टाइप के फिल्टर सर्किट लगाते हैं ताकि आपकी कॉन्स्टेंट आउटपुट आ सके। और उसमें से पहला फिल्टर सर्किट है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर का मतलब रेक्टिफायर के आउटपुट में सीरीज में इंडक्टर लगा दो। और दूसरा टाइप का फिल्टर है शंट कैपेसिटर फिल्टर, रेक्टिफायर के आउटपुट में कैपेसिटर शंट यानी कि पैरेलल में लगा दो। लॉजिक सिर्फ एक है, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, मुश्किल है इसका आना। वो ये कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, अगर आपको याद होगा एक्सएल, एक्स इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो ये आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो जैसे ही पीछे से कॉन्स्टेंट सप्लाई की बजाय एकदम फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, मान लो पीछे से फ्लक्चुएटिंग सिग्नल आ रहा है और फ्रिक्वेंसी एकदम हाई हो जाए, फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा हाई हो जाए तो एक्सएल बहुत हाई हो जाता है और इंडक्टर ऐसे सिग्नल को फिल्टर कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो लो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी को तो पास होने देगा, एकदम हाई फ्रिक्वेंसी को पास नहीं होने देगा। तो ये इसका फायदा है, तो ये इसको फिल्टर कर देगा। और ऐसी जो कैपेसिटर लगता है पीछे, जो अगर कैपेसिटर लगा रखा है तो कैपेसिटर के पास क्या होता है एक्स सी, जो कि क्या होता है 1/C ओमेगा। अगर बहुत लो फ्रिक्वेंसी हो गई एकदम सिग्नल की, लो फ्रिक्वेंसी पे एक्स सी बहुत हाई हो जाता है तो सिग्नल को ये भी ब्लॉक कर देगा। तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों लगाए जाते हैं ताकि लो फ्रिक्वेंसी भी फिल्टर हो जाए, हाई फ्रिक्वेंसी भी फिल्टर हो जाए और नॉर्मल फ्रिक्वेंसी चलती जाए। तो इस तरीके से एक कॉन्स्टेंट डीसी को प्रोड्यूस करना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये काम है फिल्टर सर्किट्स का, बहुत हाई और बहुत लो फ्रिक्वेंसीज को उड़ा दिया जाता है। तो ये फिल्टर सर्किट्स का काम है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं।